हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन माय चैनल एफएम मैथमेटिक्स, जहां पे आपको मिलेंगे मैथ्स के अमेजिंग कॉन्सेप्ट विद प्रूफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही अमेजिंग फैक्ट और बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन सभी ने सुनी होगी, और जैसा कि थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा कि किसी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर इन्फाइनाइट हो जाता है। जो बड़े बच्चे हैं, जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, 9th 10th के बच्चे हैं, उन्होंने याद कर रखा है। और जो स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड का बच्चा है या 8th स्टैंडर्ड का बच्चा है, 8th क्लास की मैथमेटिक्स में और 7th क्लास की मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस होता है चैप्टर रेशनल नंबर, तो उसको वहां उस लेवल पे टीचर समझा नहीं पाता है। रेशनल नंबर क्या बताया जाता है? ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, कि साहब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वो सारे नंबर जो फ्रैक्शन में लिखे जा सके। तो नेचुरल नंबर भी इसी में आ गए, होल नंबर भी इसी में आ गए, इंटीजर भी इसी में आ गए, सारे जितने भी नंबर, जितनी फ्रैक्शन, जितने डिसिमल है, वो सब इसी में आ गए। बट क्या बताया गया बेटा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो कौन सा भाई पहाड़ टूट पड़ गया अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया? तो जो बड़े बच्चे हैं वो जानते हैं कि जब जीरो हो जाता है डिनोमिनेटर, तो आंसर जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, जिसका सिंबल ये है, करेक्ट है। लेकिन मेरा सवाल यही है आज का कि ये इनफाइनाइट पता कैसे चला, हुआ कैसे इनफाइनाइट? इसी को आज मैं आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूं, बहुत ही अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। उसके लिए मैं आपको, जो भी डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी है, नंबर्स को डिवाइड करना तो आप जानते ही हैं, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2। मैं आपको डिवाइड करने का तरीका ही चेंज करने वाला हूं आज, आपको डिविजन सिखा रहा हूं 3rd क्लास के बच्चे की तरह। सपोज करिए 8 को 2 से डिवाइड किया, आंसर कितना आएगा? 2 4 8। चलिए इस तरीके से लिख देता हूं, 8 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से आंसर आएगा 4, 8 को डिवाइड करेंगे 4 से आंसर आएगा 2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 3। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आपको टेबल याद है। क्या टेबल है? जब उस दुनिया में उस टाइम क्या हुआ होगा जब टेबल ही नहीं होगा, तो 2 3 6 होता है, इसलिए सर इसका आंसर 3 आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका भी कोई मतलब आपको समझ में आ रहा है? 12 को 6 से डिवाइड किया, आंसर कितना आया? 2। जब आप 3rd क्लास में थे और पहली बार जब डिवीजन आया था आपकी लाइफ में, पहली बार डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं, जब पहली बार डिवीजन आया था तो आपको याद भी नहीं होगा किस तरीके से सिखाया गया था। आइए मैं आपको दिखाता हूं। पहले केस में बच्चों हमने क्या किया था? 8 को 2 से डिवाइड किया था। आइए हम इसको माइनस करते चलते हैं। 8 रुपए हैं हमारे पास और 2 2 रुपए हम एक बच्चे को बांट रहे हैं यहां पर। 8 - 2 आंसर आया 6। 6 रुपए बचे, फिर 2 रुपए एक और बच्चे को दे दिए। 4 रुपए बचे, फिर 4 में से 2 रुपए एक और बच्चे को दे दिए। 2 रुपए बचे, 2 में से 2 रुपए एक बच्चे को दे दिए, आंसर बचा 0। कितने स्टेप्स, यानी कि कितने बच्चों को पैसे मिले? 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा, यानी कि 4 स्टेप आए इसके। तो जब हमने 8 को 2 से डिवाइड किया था आंसर कितना आया था? 4। इसी तरीके से 8 रुपए जब एक बच्चे को 4 4 करके बांटोगे तो 2 बच्चों को मिलेगा। कहने का मतलब यह है, अगर ये लिखना गलत नहीं होगा, अगर मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दूं, डिवीजन का मतलब होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यही से तो बना था, 2 फंडामेंटल ऑपरेशन थे। वैसे तो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है मैथमेटिक्स में, कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। बट 2 फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है हमारे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वहीं से डिवीजन आया है। तो आपको बात अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जिस नंबर को हम, जिस नंबर से डिवाइड दे रहे हैं उसको कंटिन्यूसली माइनस कराते जाइए जब तक जीरो ना आ जाए, यानी कि जब तक माइनस कराते जाइए जब तक वो नंबर पूरा खत्म ना हो जाए। क्लियर हो रही है बात? इसी तरीके से हम जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसे हम लिख सकते हैं रिपीटेड एडिशन। सपोज करिए मैं 5 की 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब मैं 5 को 3 बार जोड़ रहा हूं, मतलब 15 आ गया। अब वो हमने टेबल याद कर रखे हैं, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। जैसे जैसे इंसान का डेवलपमेंट होता गया तो उसने उसका टेबल में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन डिवीजन का असली मतलब यही है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब आप कोई भी नंबर ले लीजिए, यहीं पे तो फैक्ट था। अगर आप इतना सीख गए डिवीजन मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, अब आपको समझ में आ जाएगा कि किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट क्यों आएगा। अब आप कोई भी नंबर ले लीजिए, इवन 1 ले लीजिए, 1 को 0 से डिवाइड करिए। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास 1 रुपया है और मैं उसको 0 0 करके बांट रहा हूं तो कितने बच्चों में बढ़ जाएंगे? अब आप समझ गए होंगे मेरी बात। चलिए मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूं, 1 - 0, अभी भी आपके पास 1 ही रुपया बचा और 1 बच्चे को आप दे चुके हैं। भाई मेरे पास 1 रुपया है, बहुत सारे बच्चों की भीड़ है, अब मैंने क्या भाई 0 रुपए तोले, हटो भाई आगे बढ़ो,
दूसरे बच्चे को बुलाया, जीरो रुपए तुम लो आगे बढ़ो, मेरे पास अभी भी एक ही रुपया है, जीरो रुपए तुम लो आगे बढ़ो, मेरे पास अभी भी एक रुपया है, जीरो रुपए तुम लो आगे बढ़ो, अभी भी मेरे पास एक रुपया है, जीरो रुपए तुम लो, मेरे पास अभी भी एक रुपया, और ऐसे करते 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 मैं चला जाऊं, तो मैं लाइफ टाइम अगर अपनी ये काम करता रहूं, यानी कि करोड़ों अरबों रुपए को, जीरो जीरो करोड़ों अरबों बच्चों को मैं जीरो जीरो रुपया बांट दूं, तब भी मेरे पास एक ही रुपया बचेगा। अब मेरे आने वाली जो जनरेशन है, या मैं किसी से बोल के जाऊं, ठीक है टिल डेथ में यही काम करता रहूं, और उससे बोल जाऊं कि तुम भी अपनी पूरी लाइफ यही काम करते रहना, सबको जीरो जीरो रुपए बांटते रहना और बच्चे गिनते रहना कितने हो गए, दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन वो एक रुपया खत्म नहीं होगा। इसी तरीके से वन माइनस जीरो वन, वन माइनस जीरो वन, वन माइनस जीरो वन, क्योंकि डिवीजन का मतलब है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तब तक सब्ट्रैक्ट करते जाओ जब तक ये एक रुपया खत्म ना हो जाए। तो कहीं ऐसा होगा ही नहीं कि एक रुपया खत्म ना हो जाए, काउंटिंग खत्म हो जाएगी, काउंटिंग भी कभी खत्म नहीं होती। तो काउंटिंग कहां तक जाएगी बच्चों, इनफाइनाइट तक, अनंत तक, जिसको गिना ना जा सके, जहां तक पहुंचा ना जा सके। तो ये तो वन था, कोई भी नंबर ले लो, पी बोल दिया, एक्स बोल दिया, उसको जीरो से डिवाइड करो तो जो आंसर आएगा वो आएगा इनफाइनाइट, या फिर उसका ये साइन है इनफाइनाइट का। समझ में आ रही है? अब आपको बड़े बच्चों की तरह दिखाता हूं, ये मेरा वन है, वन टू कुछ भी ले लीजिए, अगर मैं वन को वन से डिवाइड करूं आंसर आया वन, थोड़ा सा अब स्टैंडर्ड लेवल पे आ रहा हूं, वन को 0.5 से डिवाइड करूं आंसर आएगा टू, वन को 0.2 से डिवाइड करूं आंसर आएगा फाइव। जैसे जैसे मैं इस वैल्यू को छोटा कर रहा हूं, देखते जाइएगा, वैसे वैसे आंसर बढ़ता जा रहा है। वन को 0.1 से डिवाइड करूं आंसर आएगा टेन, वन को 0.01 से डिवाइड करूं आंसर आएगा, अब ये मैं आपको अप्रोच दिखा रहा हूं थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे, यहां पे लिमिट्स का यूज करूं, कितना आंसर आएगा 100। इसको हटा देता हूं। इन द सेम वे अगर मैं वन को 0.00001, बहुत छोटी वैल्यू हो गई, इससे भी छोटी हो सकती है, तो आंसर कितना आएगा, इतने जीरो लग जाएंगे, एक दो तीन चार, ठीक 10,000 आंसर हो गया। अगर मैं वन को और छोटी वैल्यू से डिवाइड करूं 0000000001, तो इतने ही जीरो लग के आंसर आ जाएगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं जब ये जीरो के बिल्कुल पास में पहुंच जाएगा, ये नंबर देखो मैंने छोटा कर रहा हूं, पहले वन था फिर 0.5 था फिर 0.2 था फिर 0.1 था फिर 0.01 था, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेरा डिनोमिनेटर था, सपोज कर लिए ये पी है, पी का डिनोमिनेटर एक्स है, मैं एक्स को धीरे धीरे छोटा कर रहा हूं, इतना छोटा कर दूंगा कि एक्स जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे ये छोटा होता जा रहा है, ये वाला नंबर कितना बढ़ता जा रहा है, वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़ टेन करोड़, अब टेन करोड़ आंसर आने लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो वन अपॉन एक्स है, जब एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, यानी कि जब ये जीरो हो जाएगा, तो आंसर वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट। ये थोड़ा हायर स्टैंडर्ड की बात हो गई, समझ में आ रही है आपको बात? सपोज कर लीजिए, एक मेथड और बता देता हूं, अब बड़ा फनी फनी बात है, मेरे पास एक आइसक्रीम का डब्बा है अब, और एक स्कूप है, मैं क्या कर रहा हूं, कोई बच्चा मेरे पास आ रहा है आइसक्रीम लेने, मैं स्कूप उसमें डाल रहा हूं और उसमें बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं ले रहा हूं, और उसके ऐसे जो भी उसके पास बाउल है उसमें मैंने ऐसे ही उसको उल्टा किया, उसमें कोई आइसक्रीम नहीं आई, और कहा चलो मिल गई तुम आइसक्रीम, चलो अब दूसरा बच्चा है उसको भी कुछ आइसक्रीम नहीं दी, कुछ का मतलब इस आइसक्रीम के डब्बे को मैं जीरो से डिवाइड कर रहा हूं, इसमें से कुछ भी नहीं निकाल रहा हूं, मतलब जीरो। कितने बच्चों को आइसक्रीम मिल जाएगी? आप अपनी लाइफ टाइम ऐसा करते रहो फिर भी आइसक्रीम खत्म नहीं होगी, हाँ वो बात अलग है मेल्ट हो जाए। तो इनफाइनाइट बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये आइसक्रीम मिल सकती है, क्योंकि उनको कुछ मिलेगा ही नहीं फिर भी आइसक्रीम खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपको तब तक आइसक्रीम बांटनी है जब तक ये आइसक्रीम खत्म ना हो जाए, बिकॉज डिवीजन मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो इन द सेम वे ये आइसक्रीम इनफाइनाइट बच्चों को दी जा सकती है। तो इस तरीके से अब मैं समझता हूं कि आपको ये बात समझ में जरूर आई होगी कि जो भी हमारे रेशनल नंबर्स हैं p अपॉन q, वहां पे q नॉट इक्वल टू जीरो इसीलिए बोला जाता है कि अगर q जीरो हो गया तो वो जो नंबर आएगा या जो आंसर आएगा वो डिफाइंड नहीं होगा, वो नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, जिसको इनफाइनाइट भी कहते हैं। इसलिए रेशनल नंबर में क्या बोलते हैं कि q नॉट इक्वल टू जीरो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और फ्यूचर में अगर आप ऐसे ही फैक्ट समझना चाहते हैं और मैथमेटिक्स को दिल से फील करना चाहते हैं, तो
तो प्लीज सपोर्ट अस, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.